we are starting now. So your topic for today is hemorrhagic disease of the newborn. Okay. So in the introduction, any hemorrhagic, what do you mean by the hemorrhagic disease of the newborn? So hemorrhagic manifestation, it is due to the deficiency of vitamin K, likha hua bhi. So deficiency of vitamin K dependent clotting factors. Okay. तो इसको क्या बोलेंगे हम हेमरेजिक डिजीज होते हैं. तो जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं दीज आर 2, 7, 9 and 10 एंड अदर जी I1A प्रोटीन्स लाइक प्रोटीन सी एस एंड प्रोटीन जेड. ठीक है, ये भी आपके डिपेंड करते हैं विटामिन के की एक्टिविटी पे कि प्रेजेंट है कि नहीं बॉडी में. तो जो हमारे विटामिन के होते हैं दे आर ऑफ 3 types, K1, K2 and K3. तो K1 इज ऑल्सो नोन एज फाइलोक्यूनॉन एंड फाइटोनाटियोन. ये बेसिकली आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से आपको मिलता है. विटामिन के ऐसा नहीं होता है कि इट्स लाइक आपको आईवी ही देना है, ये आपके डाइटरी सोर्सेज से भी मिलता है. तो ये आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में है, वेजिटेबल ऑयल्स या डेयरी प्रोडक्ट्स. एंड विटामिन के गिवन टू न्यूनेट्स एज अ प्रोफाइलैक्टिक एजेंट इज एन एक्वस कोलाइडिंग सॉल्यूशन ऑफ विटामिन के. जो हम बच्चों को लगाते हैं बर्थ के बाद 1 mg, दैट इज K1. द सेकेंड वन इज द मेनाक्विनॉन. इट इज सिंथेसाइज बाय द गट फ्लोरा, दैट इज जो हमारे अच्छे हेल्दी बैक्टीरिया हमारे गट पे रहते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं. एंड द थर्ड इज मेनाडियोन. इट इज अ सिंथेटिक एनालॉग और ये वाटर सॉल्युबल होता है. विटामिन के जो होता है हमारा फैट सॉल्युबल होता है, फिर उसको अपने प्रोसेस करने के लिए आपको उसको बाइल सॉल्ट्स भी चाहिए होते हैं. तो दैट इज ADEKR आपके फैट सॉल्युबल विटामिन. बट जो थर्ड वाला आपका बना है दिस इज वॉटर सॉल्युबल, ये सिंथेटिक एनालॉग. तो विटामिन के इज एन एसेंशियल को फैक्टर फॉर गामा. अब क्या होता है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनके उनपे कुछ ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यू और दैट नीड अ कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन फॉर गेटिंग एक्टिवेटेड. अब उनको एक्टिवेट करने के लिए ये एंजाइम होता है गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज अलॉन्ग विद CO2. एंड ऑल्सो अ को फैक्टर ऑफ विटामिन के इज ऑल्सो नीडेड फॉर दिस रिएक्शन टू हैपन. तो जो आपका इनएक्टिव विटामिन के होता है दैट इज इन दी इट गेट ऑक्सीडाइज टू आपका इपॉक्साइड वाले. अभी आगे मैं बताऊं तो ये वाला जो है ऑक्सीडाइज आपका विटामिन के है, ये इपॉक्साइड वाला है और जो होता है रिड्यूस होता है. तो ये नीचे जो लिखा हुआ है 2, 7, 9, 10 प्रोटीन सी जेड एसएच, दीज गॉट एक्टिवेटेड विद दी गामा कार्बोक्सिलेज. ये गामा कार्बोक्सिलेज और विटामिन के जो है ऑक्सीजन, तो ये आपके एक्टिवेटेड हो गए हैं. उसके बाद जो होता है ये लेटर स्टेज में जाके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं फॉर्मिंग द इपॉक्साइड. ये एंजाइम जो लिखा हुआ है ये अभी आगे समझ में आएगा, मैं लास्ट में बताऊंगी मेटाबॉलिज्म इसका. तो जो न्यूबॉर्न होता है विटामिन के, न्यूबॉर्न बेबीज आर प्री डिस्पोज टू डेवलप विटामिन के डिफिशियंसी एंड इट देयर खाली बहुत ही मिनिमल ट्रांसप्लेसेंटल पैसेज होता है विटामिन के का, दैट्स व्हाई हम लोग इनको बर्थ पर लगाते हैं. लिमिटेड हिपैटिक स्टोरेज ऑफ विटामिन के इन न्यूबॉर्न, लो कंसेंट्रेशन ऑफ विटामिन के इन ब्रेस्ट मिल्क. तो उसको मिल भी कम रहा है और उसको आएगा भी कम, तो इसलिए हम पहले ही प्रोफाइलैक्टिक लगा देते हैं. एंड एब्सेंस ऑफ द बैक्टीरियल इंटेस्टिनल फ्लोरा इज नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन के. तो हेमरेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न इज ट्रांजिएंट सीवियर ट्रांजिएंट डिफिशियंसीज इन विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लीडिंग दैट लीड्स टू GI, नेजल, सबग्लाइल एंड द इंट्राग्लाइल. तो क्लासिफिकेशन वी हैव 3. अर्ली क्लास क्या होगा, इट स्टार्ट्स विद इन 0 to 24 hours ऑफ द बर्थ, इंसिडेंस इज वेरी रेयर. साइट इज अगर किसी बच्चे को किफेलहेमेटोमा, यू नो डिफरेंस बिटवीन किफेलहेमेटोमा एंड कैपोर, ना किफेलहेमेटोमा हो गया, ग्लायल हो गया, हेमेटोमा, इंट्राक्रेनियल, GI, अम्बिलिकस एंड इंट्राग्लॉमेरुलर, इट कुड बी एनी वन ऑफ दीज. इटियोलॉजी क्या हो सकती है, मैटरनल ड्रग्स हो सकते हैं, कोई मदर अगर सीजर डिसऑर्डर की रही होगी तो शी कुड बी ऑन फेनोबार्ब, पेनिटोइन, वॉफरिन और फैम्पिसिन, आइसोनियाज़िड. ठीक है, इंटरफेयर विद द विटामिन के मेटाबॉलिज्म एंड द रिस्क फैक्टर इज इनहेरिटेड कोगुलोपैथी. सेकेंड वन इज द क्लासिकल, ये आपका 2 से 1 हफ्ते के बीच में आएगा. 2% ऑफ जो इन्फेंट होते हैं उनको, जिनको विटामिन के नहीं मिलता है उनमें ये होता है. तो साइट होगा GI, ENT, म्यूकोजल, आपका इंट्राक्रेनियल, क्यूटेनियस और इंजेक्शन साइट्स. ठीक है, आप लगाएंगे. इटियोलॉजी शॉर्ट है विटामिन के डेफिशिएंसी एंड ऑल्सो द उसको एनहांस करने के लिए ब्रेस्ट मिल्क, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में हमारा विटामिन के कम होता है. थर्ड इज ऑनसेट इज एट 6 months.
इंसिडेंस इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी डिजीज। तो साइट होती है इंट्राक्रेनियल जीआई, क्यूटेनियस, ईएनटी, म्यूकोसल इंजेक्शन साइट्स एंड थोरासिक। इटियोलॉजी इट कुड बी बिकॉज ऑफ द मैल अब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन के। किन किन केसेस में हो सकता है? कोलेस्टेसिस होता है, बिलियरी एट्रेसिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, हेपेटाइटिस है। और रिस्क फैक्टर्स है ए बीटा लाइपोप्रोटीन डिफिशियंसी, इट कुड बी इडियोपैथिक ऑल्सो, ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट्स एंड द वॉटर इन्फेक्शन। तो बच्चा कैसे प्रेजेंट करेगा कि इसको बॉडी में ब्लड आ रहा है, या आपके इसको जीआई तो आपका फ्रॉम माउथ टू एनस तक होता है, तो कहीं से भी इसको जीआई हेमरेज हो सकता है। प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, ओके, लाइक अम्बिलिकस हो गया, उसके बाद ब्लीडिंग रुकी नहीं रही है 2-3 दिन तक। एपिस्टैक्सिस हो गया, एकाइमोसिस हो गया, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो गया, ब्लीडिंग हो गया फ्रॉम अम्बिलिकस एंड किफेलेमेटोमा। नो अंडरस्टूड, किफेलेमेटोमा सर पे होता है बड़ा सा आफ्टर वजाइनल बर्थ। डिफ्रेंशिएटेड कैपोट, क्योंकि ये जो होता है आपका वो सूचर लाइन क्रॉस करता है कैपोट, ये नहीं करता है, और इसमें आपका मतलब बेबीज में आपका हाइपरबिलिरुपिया होने के चांसेस रहते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन आप क्या क्या कराएंगे? एज इट इज विटामिन के इज लिवर में रहता है हमारा, तो कोगुलेशन प्रोफाइल आप कराएंगे, उसमें क्या क्या आएगा, पीजी, एपीजीटी, प्लेटलेट काउंट, ये शुड बी इंक्लूडेड इन द इनिशियल वर्कअप फॉर विटामिन के डेफिशिएंसी ब्लीडिंग इन। अब प्रोलॉन्ग पीटी होता है, ये तुम देख लेना जो आपका कोगुलेशन वाला पाथवे है उसमें इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक होते हैं। अब प्रोलॉन्ग पीटी इज यूजुअली द फर्स्ट लैबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट टू अबनॉर्मल के विटामिन डिफिशियंसी, जिसका भी पीटी बढ़ा हुआ आएगा, ठीक है, नॉर्मल रेंज भी आपको पता होनी चाहिए। तो जिसका भी पीटी बढ़ा होगा वी हम अभी भी देते हैं ये चीज, अभी भी इसको एक हम वो करते हैं। जिन बच्चे जो हायर लॉन्ग एंटीबायोटिक्स पे रहते हैं उनको भी हम आपको 7-10 डेज एक रिपीट करते हैं। नॉर्मल एपीटीटी, फिब्रिनोजन लेवल्स एंड प्लेटलेट काउंट एंड फैक्टर एसिड। इमेजिंग स्टडी में आप स्कैन कराएंगे एमआरआई, यूएसजी, सीबीसी, एलएफटी, स्टूल फॉर ऑकल ब्लड एंड ईआरसीपी एंड लिवर बायोप्सी। डिफरेंशियल्स क्या हो सकते हैं इसके? एलोम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये बर्थ में होता है। न्यूनेटल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आपका दो तरह का होता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट इज लेस देन 72 आवर्स एंड क्रॉनिक इज मोर देन 72 आवर्स। तो एलोइम्यून जो होता है इसी में से होता है, क्रॉनिक में ही आता है। कोगुलोपैथी हो गया, हिपेटोबिलरी डिजीज हो गया, मटर्नल आइसोम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, वॉल्वुलर डिजीज हो गया एंड अनकॉमन कोगुलोपैथी। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? आईएम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे 1 mg ऑफ विटामिन के एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड विच प्रिवेंट्स द डिक्रीज इन विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स इन फुल्टा प्रेगनेंसी, बट इट इज नॉट यूनिफॉर्मली इफेक्टिव इन द प्रोफाइल एक्सिस ऑफ हेमरेजिक डिजीज, बट पर्टिकुलरली इन ब्रेस्टफेड एंड प्रीमैच्योर। प्रीमेच्योर को कितना लगाते हैं विटामिन के? लेस देन 1 kg को 0.5 पर। तो द डिजीज विल बी इफेक्टिवली ट्रीटेड विद स्लो आईवी इन्फ्यूजन ऑफ 1-5 mg ऑफ विटामिन के। देयर्स अ रेंज की किसको 1, किसको 5, किसको 10 देना होता है। सीरियस ब्लीडिंग पर्टिकुलरली इन प्रीमेच्योर इन्फेंट्स और दोज विद लिवर डिजीज में रिक्वायर FFP एंड आप जो फाइल भेजेंगे उसमें आपका पीजी आना रहेगा, पीजी भी बढ़ा होगा तो विटामिन के, आईएनआर बढ़ा होगा तो इनकी ट्रांसफर। मेटोमास, मलीना एंड अम्बिलिकॉन ब्लीडिंग में भी केसेस ऑफ फैक्टर 7 और 9 डेफिशिएंसी विल बिकम क्लिनिकली अपरेंट इन न्यूबॉर्न। नॉर्मली क्या होता है कि विटामिन के डेफिशिएंसी ब्लीडिंग जो इन्फेंट्स होते हैं वो डू नॉट रिक्वायर सर्जिकल केयर, बट इन रेयर IVH होने का चांस रहता है। सिंड्रोम बैटोबेलर डिजीज में रिक्वायर सर्जरी। कॉम्प्लिकेशन क्या है हेमरेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न की? इट्स इंट्राक्रेनियल हेमरेज इज द प्राइमरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ विटामिन के डेफिशिएंसी। ए ICH में आपको कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ट्रीटमेंट इंक्लूड एनाफाइलैक्टिक लाइक रिएक्शंस लाइक विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन, हाइपरबिलिरुपिया, प्रिवेंशन कैसे करेंगे? अगर अर्ली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन मतलब हमारा कुछ होने से पहले का है। एडमिनिस्ट्रेशन हम क्यों करते हैं? अर्ली एचडी एंड प्रिवेंट को करने के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के टू इन्फेंट एट बर्थ और लेट HDN इज पेरेंटल एंड हाई डोज ऑफ ओरल विटामिन के ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ मालअब्सॉर्प्शन।
सो प्रोग्नोसिस है इन द एब्सेंस ऑफ इंट्राक्रैनियल हेमरेज द प्रोग्नोसिस ऑफ विटामिन की डेफिशिएंसी ब्लीडिंग इन अदरवाइज हेल्दी इन्फेंट इज एक्स। तो आप देंगे तो इट माइट ही प्रोग्नोसिस आफ्टर आईसीएच डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट एंड लोकेशन ऑफ द हेमरेज एंड लॉन्ग टर्म सीक्वली आफ आईसीएच में इंक्लूड मोटर एंड इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी। तो इसके बाद मैंने लिखा है वैसे जो विटामिन के होता है दैट इज आपका जो होता है अब्सॉर्प्शन उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है एंड इट रिक्वायर्स बाइल सॉल्ट्स फ्रॉम लिवर एज इट इज फैट सॉल्युबल सो अब्सॉर्ब्ड इन काइलोमाइक्रॉन्स अलोंग विद द फैट इनटू द लिम्फेटिक चैनल्स स्टोर्ड इन लिवर एंड इज नॉट अकर टू लार्ज एक्सटेंट एंड इट लिवर डिक्लाइंस रैपिडली इफ इट नॉट टेकन इन राइट। देन फंक्शन कैसे करता है विटामिन के सिंथेसिस इसमें एक फैक्टर काम तो इसमें एक्टिव आपका जो होता है हाइड्रोक्विनोन फॉर्म को इज कन्वर्टेड इनटू इनएक्टिव होता है ये ऑक्सीडाइज जो होता है दैट इज एन इनएक्टिव फॉर्म इपॉक्साइड फॉर्म। तो इसमें से आप समझ लो अगर इसको दोबारा रिएक्टिवेट करना है तो हमारे पास एक एंजाइम होता है विटामिन के रिडक्टेज ये इपॉक्साइड रिडक्टेज हुई है तो ये एनएडीएच के साथ बन के एक्टिव फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है व्हिच कैन कंट्रीब्यूट टू कार्बोक्सिलेशन ऑफ अदर। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इट प्रोवाइड्स नेगेटिव चार्ज टू द ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यूज एंड नेगेटिव चार्ज क्यों इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इट हेल्प्स इन बाइंडिंग विद द कैल्शियम एंड अदर मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स सो दिस इन टर्न अलाउज इट्स इंटरेक्शन विद अदर मॉलिक्यूल्स लाइक इट्स ओन एक्टिवेशन एंड सब्सिक्वेंट पार्टिसिपेशन।